हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लाईवुड पर हम पेंट किस तरह से कर सकते हैं। प्लाईवुड पर पेंट करने के टोटल दो तरीके हैं। एक होता है कि हम वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी होती है उसे यूज़ करके अच्छे से फिनिशिंग वाला पेंट कर सकते हैं, और एक होता है कि हम प्राइमर करके डायरेक्ट उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में डिफरेंस कितना होता है वो जानने के लिए हम इसे सेंटर से एक मास्किंग टेप से कवर कर देंगे और दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो पीस लिया है ना प्लाईवुड का, उसने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब एक तरफ हम एक्रेलिक पुट्टी लगाएंगे और दूसरी तरफ हम डायरेक्ट हमारा जो वाटर बेस्ड प्राइमर है वो लगा के अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले इस तरह से हम एक्रेलिक पुट्टी को निकाल के इसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे। लगाना है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से मैं कितना लगा रहा हूँ, जो इसके ग्रेन्स है ना उसे ऐसे फिलअप करना है। इसी तरह से लगाना, ज़्यादा लगाना हमें इसमें ज़रूरत नहीं होता है, बस इसके जो ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये ग्रेन्स को अच्छे से कवर करे उस हिसाब से हमें इसके ऊपर पुट्टी लगानी होती है। मैं पूरा हो जाए फिर एक बार आपको अच्छे से नज़दीक से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से एक कोट लगा लिया है। अब जो एजेस है वहाँ पर भी अच्छे से लगा देना है, क्योंकि ये नहीं लगाएगा ना तो जो ये पार्ट है ना ऐसा कुछ दिखता रहेगा। हम पुट्टी वाले पार्ट की अभी बात कर रहे हैं। नॉर्मल में तो ये सब चलता है क्योंकि उसमें उतना दिखाना नहीं होता है। तो इस तरह से ये वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और आप दोस्तों लास्ट में जो सैंपल रेडी बन के होगा ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी फिनिशिंग अगर चाहिए तो इस पुट्टी का कितना अहमियत है, कितनी हमें लगानी पड़ती है। इस तरह से दोस्तों देखो, ये हमारा सैंपल रेडी हो चुका है पुट्टी वाला। इसे हम सूखने देंगे और फिर दोनों को एक साथ प्राइमर के लिए रेडी कर देंगे। तो दोस्तों ये पुट्टी अभी 2 से 3 घंटे सूख चुकी है। सूखने के बाद इसके ऊपर हम 220 नंबर के पेपर से अच्छे से इसे सैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने पुट्टी के ब्लेड वगैरह घुमाए थे ना तो थोड़ा रफ है, तो उसके लिए इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। और दोस्तों घिसते टाइम हमें याद रखना है कि जो ये इसके ग्रेन्स आ रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में हमें घिसना है। अगर इस तरह से आड़ा टेढ़ा घिसोगे तो ये पेपर के लाइंस वगैरह आ जाएगी, हमारी पुट्टी भी एक्स्ट्रा जो लगाई है उसका कोई मटेरियल नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। तो चलो इस तरह से हम जो ग्रेन जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में घिस के इसे स्मूथ कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। हो गया, इतना ही है। अभी यहाँ पे एजिस भी ऐसे कर लेते हैं। अब दोस्तों इस तरह से हाथ घुमा के चेक कर लेना, कहीं पे अगर लगे कि थोड़ा उबड़ खाबड़ या फिर पुट्टी नहीं लगी तो वहाँ पे ज़रूरत है तो लगा लेना, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसे अब अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे और ये बाजू वाली सरफेस भी साफ़ करेगा, क्योंकि अभी हमें ये दोनों पे प्राइमर लगाना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राइमर करने के लिए आप ब्रश या फिर स्पंज रोलर दोनों का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रश है, इसे मदद से मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इसे इस तरह से डिप करना है और फिर से हमें, जैसे कि मैंने बताया था सैंडिंग के टाइम, जो ग्रीन से उसके डायरेक्शन में इस तरह से लगाना है। दोस्तों मैंने ये ब्रश इसीलिए लिया है क्योंकि हम जो बाकी नॉर्मल ब्रश होते हैं वो ले गए ना तो उसमें इतनी फिनिशिंग के साथ कलर चिपकता नहीं है, फिर उसके लिए आपको स्पंज रोलर का यूज़ करना पड़ेगा। ये ब्रश होगा अगर आपके पास तो ये फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सूखने के बाद बिल्कुल ही आसानी से, मतलब इतना स्मूथ हो जाएगा ना जैसे कि लगेगा हमें इसके ऊपर रोलर से या फिर कुछ स्प्रे गन वगैरह से काम किया है। अब यही तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, साइड में भी इसी तरह से हम ब्रश से अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें कलर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी प्लेन वॉल है, मतलब प्लेन प्लाईवुड है तो ये ज़्यादा सूखेगा, इसलिए हमें यहाँ पे कलर ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस तरफ साइड में जैसे कि ये वाला पार्ट है वहाँ पे हमने पुट्टी किया था तो वहाँ पे जो कलर है वो कम सूखेगा, क्योंकि उसके लिए नीचे कोई सरफेस नहीं रहा ना सूखने के लिए। इसलिए यहाँ पे देखो दोस्तों मैं इस तरह से करके जा रहा हूँ पर फिर भी जो नीचे है ना कलर सूख के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि ये पूरा हम पट्टा अच्छे से कवर करते हैं पहले आपके सामने, फिर भी देखना कितना जल्दी जल्दी ये पूरा सूख लेगा। तो दोस्तों अभी मैंने दोनों तरफ इसे अच्छे से प्राइमर कर दिया है। ये वाला पार्ट है वहाँ पे हमने पुट्टी किया था और ये वाला पार्ट है वहाँ पे हमने पुट्टी नहीं किया था। अभी इसे हम 3 से 4 घंटे सूखने देंगे और फिर सूखने के बाद अच्छे से थोड़ा सैंडिंग वगैरह करेंगे और फिर आगे का पेंट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पेंट मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो इनेबल पेंट होगा, ऑयल पेंट, क्योंकि इसके अंदर जो शाइनिंग आएगी ना उसके कारण हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, मैट में तो हम कोई डिफरेंस नहीं देख सकते। तो चलो इसे अच्छे से सूखने देते हैं। तो दोस्तों इसे अभी हमने 4 से 6 घंटे सूखने दिए, मैंने तो पूरा दिन सूखने दिया है और अभी से आप डिफरेंस देख सकते हो। ये पुट्टी वाला पार्ट कितना
कितना वाइट दिख रहा है, और ये हमारा जो नॉर्मल था ना प्लाईवुड वो कितना मतलब डल दिख रहा है। तो अभी से हमें पेंट का अंदाजा लग रहा है। अब हमने पुट्टी घिसने के लिए जो पेपर यूज किया था 220 नंबर का, वही पेपर से इसे हल्का हल्का घिस लेना। आप चाहो तो 320 भी ले सकते हो, पर 220 से नीचे वाला मत लेना, 150 वगैरह वो मत लेना। तो इस तरह से घिसना है। देखो इसे ये करने से क्या होगा, अभी जो प्राइमर है ना वो थोड़ा सा रफ लग सकता है, या फिर सूखने के टाइम कोई डस्ट या इसके ऊपर ऐसा कुछ चिपका है ना तो वो हट जाएगा, इसलिए हमें इस तरह से घिस देना है। अब इस तरह से टच करके देख लेना है, स्मूथ लग रहा है तो हमारा ये पेंट के लिए रेडी हो चुका है। बस फिर से हमें कपड़े से एक बार साफ कर लेना है पूरा। अब आप बताओ इनमें से कौन सा मैं पेंट इसके ऊपर लगाऊँ। मेरे पास ग्रीन और रेड दोनों अवेलेबल है, आप चाहो तो और कोई भी लगा सकते हो, पर दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा इसके ऊपर लगाने के लिए। चलो कौन सा लगाए कौन सा लगाए, रेड वाला लगाते हैं, रेड वाला क्योंकि दिखेगा हमें अच्छा। ग्रीन वाला फिर कभी लगा के आपको दिखाएंगे। और कलर कैसा मिक्स करना है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 1 लीटर के अंदर ऑयल पेंट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 200 ml से ज़्यादा थिनर नहीं डालना है। अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो 300 ml डाल सकते हो। मैं अभी स्प्रे गन से करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि स्प्रे गन जितनी फिनिशिंग ब्रश और रोलर में नहीं आती है, इसलिए स्प्रे गन यूज़ करके इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो चलो इसे पहले मिक्स करके गन में भर देता हूँ और फिर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो अभी हमने गन में ये लाल कलर है वो भर लिया, अच्छे से रेड कलर को भर लिया है, और इसका ढक्कन वगैरह बंद करके इसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों स्प्रे गन से अप्लाई करो तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमने पुट्टी प्राइमर वो सब किया ना, उसी डायरेक्शन में जो ग्रेन्स जा रहे उसी डायरेक्शन में स्प्रे को भी अप्लाई करना होता है। तो पहले अप्लाई करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से, क्योंकि अप्लाई करते समय इसके एयर की आवाज़ आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। यहाँ तक दोस्तों हमने जो डायरेक्ट था ना प्राइमर करके किया वहाँ उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो हमारा पार्ट है ना पुट्टी वाला पार्ट, तो दोनों में डिफरेंस देखना आप। अब आपको एजिस को भी मैं स्प्रे करके दिखाता हूँ एक बार। अब चलो नज़दीक से भी मैं दिखा देता हूँ कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितनी अच्छे से लाइटिंग जो ऊपर है ना वो आ रही है, और इसके ऊपर कैसे ये दानी दानी दिख रहे हैं। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। अभी फिर भी मैं इसे अच्छे से सूखने देता हूँ, ऑयल पेंट है तो 8 से 10 घंटे अच्छे से सूखेगा, और फिर मैं आपको दोनों का रिजल्ट टच करके दिखाऊंगा फीलिंग में किस तरह से लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था इसे हमें 8 से 10 घंटे सूखने देना है, पर मैंने कल किया था और आज मैं यानी कि पूरा एक नाइट सूखी, यानी कि 12 से 14 घंटा अच्छे से सूखा है। अब इसके ऊपर जो फीलिंग है ना वो मैं आपको डिफरेंस अभी से दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको अच्छे से लाइट में दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो प्लाई थी ना उसके ग्रेन्स वगैरह किस तरह से दिख रही है, और नीचे हमारा देखो इस पे ग्रीस नहीं दिख रही, इस पे थोड़ी थोड़ी लाइन दिख रही है, वो इसीलिए क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रश से चलाया था, वरना ग्रीन तो एक भी नहीं दिख रही। यहाँ पे नज़दीक से भी देखो कोई ग्रीस नहीं दिख रही है, और वही सेम कंडीशन में आपको अप्लाई में देखने जाओ तो यहाँ पे अंदर पूरी जो इसके ग्रेन्स है ना वो सब दिख रही है। अगर हमने यहाँ पे पुट्टी करने के बाद प्राइमर भी स्प्रे से किया होता ना, या फिर उसके ऊपर स्पॉन्ज रोलर अच्छे से घुमाया होता तो एकदम ये कांच जैसा मेटल पे पेंट लगते हैं वैसे फिनिशिंग आती, और इसके अंदर फिनिशिंग में कितनी डिफरेंस है। अब मैं दोनों के एजेस भी आपको दिखा देता हूँ, तो एजेस में भी आप फर्क साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पे ये पूरा जो कलर होता है ना वो सोख लिया है अंदर एजेस में, और यहाँ पर इस तरफ देखो आप कितनी अच्छी तरीके से साइनिंग के साथ ये पूरा कलर आया, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। और दोस्तों आपको ये जो स्प्रे गन है वो चलाना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हो तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में एक वीडियो दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो पूरा देखना तो आप इसका बेसिक्स और चलाना सब सीख जाओगे। तो चलो ये वीडियो को यहीं पर एंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।